आज हम आपको दिखाएंगे माउंट आबू के पहाड़ों में महादेव का बहुत ही पुराना मंदिर। तो ये गया है रास्ता सामने की तरफ और यहाँ पर है एक एंट्री। बाकी अब आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ऊपर देखो पहाड़ों में कैसे ऊपर के जो पहाड़ की चोटी है वो बादलों से ढकी हुई है। तो दोस्तों अब हम मंदिर के एकदम पास में पहुंचने वाले हैं। ये देखो कितने घने जंगलों से होते हुए हम आ रहे हैं यहाँ पर। और ये देखो आप सामने इतना सारा इतना बड़ा मंदिर इतनी दूरी तक फैला हुआ कैसे बना होगा और कब बना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो उधर सामने लिखा हुआ कि कृपया जूते चप्पल नीचे उतारें, और यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है पर इन सीढ़ियों पर घास वास उग चुकी है और चढ़ने का रास्ता नहीं है, बंद है पूरा। बाकी इधर मंदिर है और एक पुजारी जी भी हैं और एक और भाई साहब हैं। ये देखो बहुत ही पुराना कुआं है ये। वैसे यार ऊपर इसमें पानी वानी जम गया है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं अब हम। मंदिर के सामने ही है ये विशाल पीपल का वृक्ष पेड़, और उसी के बगल में है ये हवन कुंड जहाँ पर ये बाबा जी यज्ञ या हवन जो भी है वो करते होंगे। दोस्तों भांग का पेड़ मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। और आप भी देख लो, ये है भांग का पेड़ जिसकी भांग बनती है, भांग पीस करके पिया जाता है होलियों में भी, और जो महादेव को भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। यहाँ पर तांबे की नाग देवता की ये मूर्ति है। तो ये नाग देव जी तांबे से बनाए हुए हैं और इनकी इनको ये जो भाई साहब है जो नहला धुला रहे हैं साफ़ कर रहे हैं